एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद संभल के ब्लॉक संभल में स्थित रुकनुद्दीन सराय गांव पड़ा। लगभग 18,000 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 3 किलोमीटर ही है। वर्तमान में गांव के प्रधान परवीन जहां हैं, लगभग 9,000 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के जूनियर एवं प्राइमरी विद्यालय में लगभग 580 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते दिखाई दिए। बात अगर विकास कार्यों की जाए तो गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 75 हैंडपंप लगवाए गए हैं व विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 200 विद्युत पोल, 18 विद्युत ट्रांसफार्मर व सोलर लाइटें भी लगवाई गई हैं। इसी के साथ वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में खडंजे, सीसी टाइल्स रोड, पानी निकासी के लिए नाला, स्कूल में मरम्मत कार्य, स्वच्छ भारत मिशन के तहत 115 शौचालय तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 24 आवास भी बनवाए गए हैं। वहीं वर्तमान ग्राम प्रधान ने एबीपीएस न्यूज के माध्यम से गांव में सीसी टाइल्स रोड, कन्या इंटर कॉलेज, शमशान घाट, तालाब की बाउंड्री, प्राथमिक विद्यालय, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 300 आवास तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ, ग्राम पंचायत रुकनुद्दीन सराय, ग्राम प्रधानपति जी। मेरा गांव संभल ब्लॉक का सबसे बड़ा गांव है जिसकी आबादी लगभग 18,000 है जी। गांव में जितना धन आया सरकार से गांव के विकास के लिए, मैंने वो धन सभी 100% गांव में खर्च किया, लेकिन क्योंकि और उस धन से मैंने गांव में बहुत सारे रास्ते बनवाए, सड़कें बनवाई, कई बड़े बड़े नाले बनवाए, अपने गांव के जूनियर हाई स्कूल का सौंदर्यीकरण कराया, गांव में स्कूल में सीसी टाइल्स बिछवाई, बाउंड्री वॉल कराई, पानी की फिटिंग, शौचालय, और गांव में मैंने अपने पंचायत घर को भी बहुत सुंदर करके बनाया जी। और गांव में 115 करीब शौचालय बनाए गए, 24 आवास बनाए गए जी। लेकिन क्योंकि गांव बहुत बड़ा है जी। और बहुत तेज़ी से आबादी बढ़ रही है गांव की, ठीक, इसलिए गांव में अभी भी बहुत सारी समस्याएं हैं जी। जैसे गांव में एक सबसे पहले तो कन्या इंटर कॉलेज बनना चाहिए, ये हमारी मांग है जी। उसके अलावा गांव की आबादी को देखते हुए एक प्राइमरी पाठशाला भी बनाया जाए जी। गांव में एक शमशान घाट की बहुत सख्त ज़रूरत है जी। वो भी गांव को दिया जाए जी। उसके अलावा गांव में एक अस्पताल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि एक बहुत बड़ी आबादी होने के कारण गरीब लोग रहते हैं यहाँ पर, गरीब गांव है, तो एक सरकारी अस्पताल की बहुत ज़रूरत है। और गांव में लगभग 250 लोगों को आवास भी दिया जाए, क्योंकि 250 लोग गांव में ऐसे हैं जिनके आवास के लिए पात्र हैं। और इसके अलावा गांव में वृद्धा पेंशन की बहुत भारी कमी है, कुछ लोगों को मिलती है लेकिन बहुत सारे लोग छूटे हुए हैं। विधवा पेंशन की बहुत कमी है, कुछ को मिलती है लेकिन बहुत ज़्यादा विधवाएं रह गई हैं जिनको पेंशन मिलनी चाहिए।